एक बार फिर से मैं आपको टक्स प्रिंट कैसे ओपन करते हैं ये मैं बता दे रही हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट बटन पे, देन यहाँ ऊपर देखिए छोटा सा पैगविन बना है, यहाँ लिखा टक्स प्रिंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे आपका टक्स प्रिंट ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए ये आपका टक्स प्रिंट ओपन हो गया। ओके, यस, और ये आपको पता है ये आपका टूल्स है, ठीक है, ये सारे आपके टूल्स हैं। ओके, और जिस तरीके से आपने ये टूल्स में से पेंट ओपन किया है तो पेंट के हिसाब से यहाँ पे ब्रशेज आ गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये शेप लेते हैं तो यहाँ पे शेप्स आ जाएंगे, ठीक। तो ये जो हैं टूल्स के, जिस तरह से हम टूल्स चूज करते हैं उसी उसी के ऑप्शन के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं ये सारे शेप, ये चीज़, ठीक है। जैसे कि अभी हमने फिल लिया, ओके, फिल नहीं हमने लिया लाइन, तो अब यहाँ पे भी ब्रशेस आ गए। ओके, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया तो यहाँ पे लेटर्स आ गए। ओके, इस तरीके से ये चेंज हो जाता है, ठीक। ये नीचे आपका क्या है, कलर पैलेट है, ये आपका क्या है, कलर पैलेट है। ओके, और ये जो आपका है टक्स, ये आपको क्या बताता है, इन्फॉर्मेशन एरिया, यहाँ पे ये इन्फॉर्म करता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए लाइन आपकी लिखी हुई है, ये इन्फॉर्म करते हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे हमने ये ब्रश लिया, पेंट लिया, तो यहाँ क्या लिखा है, पिक अ कलर एंड अ ब्रश शेप अ ड्राइंग विथ, ठीक है। ये अब आपको हम फाइल ओपन करना बता रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, न्यू पे जाते हैं, कोई भी फाइल न्यू ओपन कर की जाती है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कलर के यहाँ पे कलर्स हैं, उसके बाद ये बैकग्राउंड्स हैं, ये आपकी पिक्चर्स हैं, तो जो भी आपको आपकी फाइल में लेना होगा वो आप ले सकते हैं। ओके, जैसे हमने ये बैकग्राउंड लिया, तो बैकग्राउंड लिया और देन ओपन, ओपन पर करेंगे तब आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यस सेव इट, तो आपकी ये फाइल ओपन हो गई, ठीक। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरी फाइल लेना चाहें, जैसे हमने ये कलर लेना है, तो हमने ये कलर लिया, ओके, देन ओपन, तो ये आपकी एक फाइल ओपन हो गई जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेम है ऐसे ही अगर हमें कोई पिक्चर लेनी है, ये माना ये ले लिया मैंने डक, ये कॉक हैं, ये ऐसे क्लिक किया और उसके बाद ओपन किया, ये आपकी ये फाइल ओपन हो गई, ठीक। इस तरीके से हम फाइल को ओपन करते हैं। ओके, थैंक यू।